बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फ्रेंड, मेरा नाम निशान है और आप देख रहे हैं नॉलेज अरीना। और आज की इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ, ये कौन से दो फ़ोन है यार? वेल, मेरे लेफ्ट हैंड में है रियलमी का C1 और यहाँ पर है Y7 Prime 2019। तो मैं करूँगा दोनों फ़ोनों का स्पीड टेस्ट कंपेरिजन और यहाँ पर थोड़ी बहुत बात करेंगे दोनों फ़ोनों की प्राइस की। रियलमी C1 की जो प्राइस है पाकिस्तानी में वो 18,000 रुपीज़ है और यहाँ पर जो हमें स्पेसिफिकेशन में मेन स्पेसिफिकेशन है उसमें ये एक 6.2 इंच का नॉच डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि IPS LCD वाला पैनल है। और यहाँ पर स्नैपड्रैगन 450 का प्रोसेसर लगाया गया है, 2GB की रैम है और 16GB इंटरनल स्टोरेज है। जबकि Y7 Prime की अगर बात की जाएगी तो Y7 Prime की पाकिस्तानी मार्केट में जो प्राइस हो गई है वो 29,000 रुपये हो गई है और यहाँ पर भी ये 6.2 इंच का वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले है और जो प्रोसेसर लगाया गया है वो स्नैपड्रैगन का 450, 3GB की रैम है, 32GB की इंटरनल स्टोरेज है और इन दोनों फ़ोनों के अंदर जो बैटरी है वो है सेम 4000 mAh की। तो मैं करूँगा दोनों फ़ोनों का स्पीड टेस्ट और देखेंगे कि जहाँ प्राइस में 10,000 रुपये का फ़र्क है वहाँ पर स्पीड में कितना फ़र्क है। और बढ़ते हैं वीडियो में आगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे करूंगा रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में है, बेल आइकन उसे लाजमी क्लिक कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रियलमी C1 वर्सेस Y7 Prime 2019 एक स्पीड टेस्ट कंपैरिजन। फ्रेंड, स्पीड टेस्ट में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगा इन दोनों फ़ोनों के Geekbench के स्कोर और AnTuTu बेंचमार्क के स्कोर। तो ये टेस्ट मैं कर चुका हूं और यहां पर जो स्कोर्स हैं आप देख सकते हैं कि यहां पर Realme C1 आगे रहा है। हैरानकुन बात है, यहां पर Realme C1 का जो सिंगल कोर का स्कोर है वो है 790, मल्टी कोर का स्कोर है 3961 और Y7 Prime 2019 का जो सिंगल कोर का स्कोर है वो है 766 और मल्टी कोर का स्कोर है 3801। तो यहाँ पर आगे रहा Realme का C1 10,000 रुपये प्राइस के फ़र्क के बाद भी। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो फ़र्क है वो है 74772 Realme C1 का स्कोर है और वहीं पर 73495 ये Y7 Prime 2019 का स्कोर है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है लेकिन यहाँ पर Realme C1 आगे रहा। तो अब करते हैं इन दोनों फ़ोनों का स्पीड टेस्ट कंपैरिजन। यहाँ से किल कर देते हैं बैकग्राउंड एप्लीकेशंस को और ये आप देखें तो मैंने यहाँ से डिलीट कर दी। अब इन दोनों फ़ोनों में कोई बैकग्राउंड एप्लीकेशन रन नहीं कर रही और अब मैं आपको ये बता दूं कि ये दोनों फ़ोन सेम वाईफाई के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ से अब मैं करूँगा इन दोनों फ़ोनों का स्पीड टेस्ट। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं फ़ोन एप्लीकेशन को, यहाँ पर आगे रहा Y7 Prime 2019, मैसेजेस को क्लिक करते हैं, यहाँ पर आगे रहा Realme C1 और कैमरे पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी Realme C1 आगे रहा। क्लिक करते हैं फाइल्स पे तो यहाँ पर भी Realme C1 आगे रहा। अब आते हैं कुछ सोशल एप्लीकेशन पे तो यहाँ पर है फेसबुक, इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आगे रहा Y7 Prime और ट्विटर पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर भी आगे रहा Y7 Prime 2019 और अब क्लिक करते हैं सोनिक डैश पे, तो देखते हैं यहाँ पर कौन सा फ़ोन रहता है आगे। दोनों फ़ोन गेम लोड कर रहे हैं और यहाँ पर दोनों ही फ़ोनों ने इस गेम को लोड किया है सेम टाइम पे। तो अब क्लिक करते हैं पिनआउट पे और देखते हैं यहाँ पर क्या पोजीशन रहती है दोनों फ़ोन्स की। तो यहाँ पर आगे रहा Y7 Prime 2019 और उसके एक सेकंड के बाद C1 में भी ये गेम हो गई थी लोड। तो अब क्लिक करते हैं टेम्पल रन पे और देखते हैं कि यहाँ पर क्या पोजीशन रहती है। लेकिन अभी तक Realme C1 की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, कहीं पर ये डिफरेंस आपको फील नहीं हो रहा होगा कि मतलब जहाँ पर 29,000 रुपये की प्राइस है Y7 Prime 2019 की, यहाँ पर 18,000 रुपये की प्राइस है और आप देख सकते हैं यहाँ पर Realme C1 रहा है आगे। और अब क्लिक करते हैं हम सबवे सर्फर पे, देखते हैं यहां पर क्या पोजीशन रहती है। और यार मेरे घर में मेहमान आए हुए हैं तो जो बैकग्राउंड नॉइस है उस पर ज्यादा फोर नहीं कीजिएगा यार, तो थोड़ा बहुत चलता है कभी कभी। तो वेल, यहां पर देखते हैं कौन सा फोन लोड करता है गेम को पहले और यहाँ पर रहा Y7 Prime 2019 आगे। और अब यहाँ पर क्लिक करते हैं Zipia पे और देखते हैं यहाँ क्या परफॉर्मेंस रहती है दोनों फ़ोन की। तो लग ये रहा है कि यहाँ पर भी Y7 Prime 2019 रहेगा आगे और ऐसा ही है, यहाँ पर भी Y7 Prime 2019 रहा आगे। और अब क्लिक करते हैं हम Instagram पे, यहाँ पर Y7 Prime 2019 रहा आगे।
और अब क्लिक करते हैं व्हाट्सएप पे। यहाँ पर Realme का C1 रहा आगे और हमारे पास जो आखिरी एप्लीकेशन है वो है स्नैपचैट की, तो करते हैं क्लिक इस पर। यहाँ पर Y7 Prime 2019 रहा आगे। तो फ्रेंड ये था एक कंपैरिजन जहां पर आपने देखा Geekbench और Antutu बेंचमार्क स्कोर की अगर बात की जाएगी तो वहां पर Realme C1 रहा है आगे, और अगर एप्लीकेशन की बात की जाएगी तो इन दोनों फोनों की एप्लीकेशन, मैं ये कहूँगा कि इन दोनों फ़ोनों की एप्लीकेशन तकरीबन टाई हैं। कुछ एप्लीकेशन में रहा है Realme C1 आगे और कुछ एप्लीकेशन में रहा है Y7 Prime 2019 आगे। तो अगर इन दोनों फ़ोनों में से आप कोई फ़ोन ऐसा बाय करना चाहते हैं जहां पर आपको चाहिए स्पीड, तो ₹10,000 के फ़र्क पर मौजूद है Y7 Prime 2019, और वहीं पर Realme C1 है ₹18,000 के प्राइस टैग के साथ। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप स्टोरेज के साथ कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, तो आपके लिए Realme C1 बेटर ऑप्शन हो सकता है, आपको ₹10,000 मजीद खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। वेल, जल्दी ही इन दोनों फ़ोनों का कैमरा कंपैरिजन करेंगे और वहां पर देखेंगे इन दोनों फ़ोनों में से कौन सा फ़ोन है बेटर। तो यहां पर करेंगे इस वीडियो को एंड। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर अलॉट फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।